हेलो। हेलो हाँ, चारों लोग हो गए ना? जी हाँ, जी शंकर तो बाहर गया है, ठीक है। जी हाँ चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं। बबली हो गई और डिकेश्वर हो गया है ना, और आरती और देवेंद्र है ना। और आवाज अगर डबल डबल आ रहा है ना, तो थोड़ा सा अपना उसको वॉल्यूम को कम कर लेना, वॉल्यूम बटन से थोड़ा सा कम कर लेना हल्का सा आवाज, ठीक है। जी हाँ चलो, लेसन वन निकल गया ना? जी जी कॉपी पेन भी रखे हो ना साथ में? जी हाँ चलो, अब देखते हैं। जी देखो वहाँ पे सबसे नीले रंग से लिखाया है किताब में, क्या लिखाया है पढ़ो तो, सबसे ऊपर वाला। लेसन हाँ, लेसन एक एक अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लेसन वन। वन हाँ, उसके बाद देखो पिंक कलर यानी गुलाबी रंग में क्या लिखाया है, TH E, उसको क्या पढ़ेंगे, दी। हाँ, द भी पढ़ सकते हैं, दी भी है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है पढ़ो बताओ, बलून पाठ का नाम। बलून हाँ मैन हाँ द, बलून हाँ ठीक, दी बलून मैन, यानी कि इस पार्ट का नाम है गुब्बारे वाला। बैलून यानी क्या होता है, गुब्बारा, ठीक है ना। जी गुब्बारा जानते हो ना, फुग्गा बेचने वाला, ठीक है ना। जी अब इसमें चलो देखते हैं, यहाँ सामने वाली पहला वाला जो लाइन है, देखो वहाँ पे क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? रामू हाँ रामू हाँ बलून ही ए बलून मैन वे बेल हाँ बस रुको रुको, एक 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 पैराग्राफ पढ़ना है ना। जी रामू इज ए बलून मैन, है ना। चलो उधर से रामू दोहराना, रामू इज ए बलून मैन। बलून ठीक, रामू एक गुब्बारे वाला है ना, रामू एक गुब्बारे बेचने वाला है। रामू का मतलब, रामू उसका नाम है, इज, IS इज है ना, इज का मतलब क्या है, और ए जी का मतलब एक, और बैलून का मतलब गुब्बारा, और मैन मतलब गुब्बारा आदमी। रामू एक गुब्बारे बेचने वाला है ना। गुब्बारे जी वाला हो गया ना, मैन उसमें जुड़ गया, बैलून मैन का मतलब होता है गुब्बारे वाला, है ना। गुब्बारे वाला में जी शब्द जुड़ गया है, मैन शब्द, इसलिए गुब्बारे वाला बोल सकते हैं, उसको आदमी बोलने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि सब्जी वाला बोलते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, गुपचुप वाला बोलते हैं, चाट वाला बोलते हैं, सब्जी वाला बोलते हैं, है ना। चलो जी आगे का जो पढ़ो, जी उसको क्या लिखा है, HE वाला। बलून हाँ गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरीडे, है ना, जी ठीक है। देखो, ही सेल्स बैलून्स, पढ़ो। हाँ, ही गोज गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरीडे। इसका मतलब है, ही सेल्स बलून, वह गुब्बारे बेचता है। ही जो शुरू वाला है ना, रामू इज ए बलून मैन के बाद वाला ठीक लाइन है, उंगली रखे रहना तभी समझ में आएगा। ही मतलब वह। ही का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, याद है ना, ही का ही और सी दो शब्द होता है ना, ही पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, और सी लड़कियों, स्त्रीलिंग शब्द है ना। सी भी का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है। तो यहाँ पे ही रामू के लिए ही का इस्तेमाल हो रहा है। ही सेल्स बलून्स, वह गुब्बारे बेचता है। बैलून्स में देखो एस लगा है, एस लगा है ना बैलून्स में, एस का मतलब है बहुत सारे गुब्बारे, है ना, इसीलिए वहां पे गुब्बारे इस्तेमाल किया। गुब्बारा का बहुत सारा हो गया, तो गुब्बारे शब्द बना, गुब्बारा यानी एक तो गुब्बारा, और गुब्बारे से गुब्बारे बना है ना। ही सेल्स, सेल्स यानी कि बेचना, है ना, SELLS, सेल्स यानी बेचना। ही सेल्स बैलून्स, वह गुब्बारे बेचता है ना। उसके बाद लिखा है, ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। ही का मतलब वह, गोज यानी कि जाता है, और फ्रॉम यानी से, है ना, हाउस टू हाउस यानी एक घर से दूसरे घर, है ना, इस घर से उस घर, जैसे कोई बेचने आता है, फेरी वाला सामान बेचने आता है, तो एक घर से दूसरे घर जाता है ना, तो यहाँ घर घर जाता है, क्या बोलेंगे, हाउस टू हाउस, HOUSE, हाउस यानी कि घर,
और टू फिर हाउस, उसके बाद लिखा है एवरी डे, EVERYDAY, एवरी डे। एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन, है ना, रोज दिन, जिसको बोलते हैं हम लोग स्थानीय भाषा में प्रतिदिन, ठीक है ना। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे, वह प्रतिदिन एक घर से दूसरे घर, घर घर जा के बेचता है ना। क्या बेचता है वो? गुब्बारे बेचता है, ठीक है। उसके बाद आगे वाली लाइन को पढ़ो, क्या है? वन मॉर्निंग ही टू ए टू सेल हिज कलर फुल, हाँ बलून, बस बस जहाँ बस 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 वहीं पे रुको। एक फुल स्टॉप होता है ना, फुल स्टॉप जो बिंदु लगा है, पूर्ण विराम बोलते हैं उसको हिंदी में। हम क्या करते हैं, एक डंडा खींच के पूर्ण विराम करते हैं, है ना। जैसे मेरा नाम आरती है, तो वहाँ पे है के बाद में एक पूर्ण विराम। मेरा नाम राजा है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वैसे ही अंग्रेजी में अपन लोग फुल स्टॉप बोलते हैं, पूर्ण विराम को एक बिंदु लगाते हैं वहाँ पे, है ना। तो यहाँ तक बस एक एक लाइन को पढ़ना है अपने को, उसके बाद मतलब समझेंगे। तो यहाँ लिखा है देखो, वन मॉर्निंग, बोलो, वन मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज टू सेल हिज कलरफुल बैलून्स। हाँ, अब देखो वन से ही आ जाना, वहीं पे उंगली रखना। वन का मतलब होता है एक, ओ एन ई वन लिखाया है ना, वन। और मॉर्निंग का मतलब होता है क्या होता है, मॉर्निंग का मतलब सुबह, हाँ गुड। और ही का मतलब क्या होता है, ही, एच ई ही का मतलब वह, हाँ। और वेंट मतलब डब्ल्यू एन टी, वेंट मतलब गया, है ना, जाना। गो वेंट गॉन होता है ना, गो का फ्रॉम है ये, ठीक है ना। वेंट टू ए, ए का मतलब एक। और विलेज, वी आई डबल एल ए जी ई, विलेज, विलेज का मतलब क्या होता है, गांव, है ना। गांव को क्या बोलते हैं, विलेज या ग्राम, है ना। टू सेल, यानी सेल मतलब बेचने के लिए। हीज, हीज मतलब होता है एच आई एस, हीज, हीज मतलब उसके, है ना। उसकी क्या चीज को बेचने गया, कलरफुल। कलरफुल का मतलब सी ओ एल ओ यू आर एफ यू एल, फुल। कलरफुल का मतलब है रंग बिरंगे, है ना। क्या थे रंग बिरंगे उसके पास, बैलून्स, है ना। तो इसका हिंदी अर्थ होता है, वन मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज टू सेल हिज कलरफुल बैलून्स। एक सुबह वह एक गांव गया अपने रंग बिरंगे गुब्बारों, उसके गुब्बारों को बेचने के लिए, है ना। वह उसके रंग बिरंगे गुब्बारों को बेचने के लिए एक सुबह वो एक गांव गया, है ना, ठीक है ना, एक गांव में गया। अब आगे का पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। बाल, हाँ काल, हाँ वाला, हाँ मोना, हाँ साई, सैफ, सैफ एंड, हाँ 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 सैड, हाँ आई हैव रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज येलो एंड व्हाइट बलून। बस बस,